पहलवानों का विरोध का सामना कर रहे ब्रिजभूषण सिंह बोले, हम सरकार को मजबूर कर देंगे। पास्को कानून के तहत एक मामले का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने गुरुवार को बहराइच में कहा कि वह कानून का दुरुपयोग हो रहा है और वह संतों के नेतृत्व में इस कानून को बदलने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाले पहलवानों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिंह के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की गई। सिंह पर एक मामला पास्को अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आगामी 5 जून को अयोध्या के संतों की रैली का आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने 11 लाख संतों के पहुंचने का दावा किया। इसी रैली की तैयारी को लेकर आज सिंह ने एक सभा को संबोधित किया है। अधिकारियों तक इसके दुरुपयोग से छूते नहीं रहे हैं। सपा में बीजेपी सांसद ने पास्को कानून और उनके प्रावधानों का विरोध करते हुए दावा किया कि इसका बड़ा पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। उनका कहना था कि इस कानून का उपयोग बच्चे बुजुर्गों और संतों के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है तथा अधिकारियों तथा इसके दुरुपयोग से छूते नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा, संतों की अगुवाई में हम सरकार को कानून पास्को बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। मेरे खिलाफ सभी आरोप बेबुनियाद हैं, इनके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। इससे पहले सांसद ने पहलवानों को धरने पर बड़ा दावा किया कि बीजेपी सांसद का कहना है कि कांग्रेस की मदद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा, खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। यह कहाँ के खिलाड़ी, इनका खेल तो हो चुका है, अब ये चुनाव लड़ेंगे। हुड्डा साहिब जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कहेंगे। आपको क्या लगता है, ब्रिजभूषण फंस चुके हैं इसीलिए ऐसे अनाम शनाप और पास्को एक्ट बदलने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा दावा किया है। ब्रिजभूषण को पुलिस पकड़ के जेल में बंद करके पूछताछ करनी चाहिए, मगर बीजेपी की सरकार होने की वजह से उनको खुलेआम भाषण दे रहे हैं, संतों का आह्वान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और बीजेपी सरकार आँख बूंद कर उनको कोई कुछ नहीं कर रही है, उनको टच भी नहीं कर रही। आपको क्या लगता है कि ब्रिजभूषण का गिरफ्तारी होकर उनको पूछताछ करनी चाहिए कि नहीं, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना, फिर मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।